मैथ सीरीज चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्वेश्चन 8 इज ऑफ एक्सरसाइज 12.3। आई एम रीडिंग क्वेश्चन 8। इफ जेड इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यू माइनस 3 ब्रैकेट में जेड माइनस 10। तो मीन्स इसमें क्या है, जेड की वैल्यू 10 पुट करना है, ठीक है। जहां भी जेड है उसकी वैल्यू कितनी पुट करना है, 10 पुट करना है, ओके। और उसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें जेड की वैल्यू कितनी पुट करना है, 10, ठीक है। तो इसमें जेड की प्लेस पर 10 पुट करें। अब यहाँ पे है जेड की पावर क्यू, जेड की पावर क्यू मीन्स जेड की प्लेस पे 10। अब ये देखिए जेड की पावर 3 है तो जेड की प्लेस पर ओनली 10 राइट किया, क्योंकि जेड की प्लेस पर कितना है, 10 है। गोट इट। अब पावर 3 है, अगर जेड की पावर 3 है तो 10 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3। गोट इट। तो अभी देखिए माइनस थ्री एज इज इट। अब यहाँ पे फिर से जेड आ गया, जैसे ही ब्रेकेट लगाते हो एज इज इट लगाते जाएंगे, सिर्फ जेड की प्लेस पर वैल्यू पुट करना है। जेड की प्लेस पर कितना, 10 माइनस 10, ठीक है। तो अब ये देखिए 10 माइनस 10 तो मीन्स ये कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीन्स 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। गोट इट। 3 मीन्स 10 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 टेन 100 100 10 1000 माइनस 0, ठीक है। किसी भी डिजिट में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते 0 याद, तो आंसर कितना जाएगा अपना, 1000। गोट इट। दिस इज आंसर, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इफ p इज इक्वल टू -10। अब इसमें p की प्लेस पर कितना पुट करना, -10। गॉट इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर -2p -100। p है तो p की प्लेस पर -10 पुट करना है। p इज इक्वल टू -10। गॉट इट। तो अभी देखिए p स्क्वायर मीन्स p की प्लेस पर -10 राइट किया। अब ये देखिए ध्यान से समझिएगा, p की प्लेस पर -10 राइट किया और स्क्वायर अलग से है, तो मीन्स ब्रेकेट लगाकर इसको लगा दें। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो ये माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 2 बिटवीन मल्टीप्लाई पी की वैल्यू -10, ठीक है। अब ये बताइए अगर इसे ब्रेकेट नहीं लगाएं तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते। -100 है तो -100 टाइप किया। गॉट इट। तो अभी देखिए -10 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टेन से 100। ये देखिए इस तरीके से 10 मल्टीप्लाई 10 टेन से 100, और माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 100 आएंगे, ओके। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 टू 20 माइनस 100, ओके। तो अब 100 और 20 प्लस करेंगे तो 120 माइनस 100, ठीक है। 120 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। गॉट इट। दिस इज आंसर, क्वेश्चन 8 कंप्लीटेड। 9 क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मींस क्या है, x की प्लेस पर कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, और किसकी वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ ए मीन्स ए की वैल्यू फाइंड करना है, और इसके इक्वल में 5 है, मीन्स 2x² + x - a इक्वल टू 5 मीन्स इसके इक्वल में 5 है, और x की प्लेस पर 0 पुट करना है पहले, तो इसके इक्वल में 5 राइट कर लेते हैं। ये देखिए इक्वल में 5 राइट कर दी, इक्वल इसमें राइट है कि इसके इक्वल में 5 ही है, गॉट इट। और x की प्लेस पर कितना पुट करना है, 0, तो जहां जहां x है उसकी प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 2x² में 0 का स्क्वायर प्लस ये x आ गया, तो फिर से 0x की प्लेस पर -a इज इक्वल टू 5। अभी देखिए 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हो 0 ही आता है, प्लस 0 - a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे -a 0 0 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 5, माइनस ए तो साइड आ जाएगा, a इज इक्वल टू -5। गॉट इट। दिस इज आंसर, क्वेश्चन 9 कंप्लीटेड। नाउ 10th क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -10।
थ्री, ए की प्लेस पर फाइव पुट करना है एंड बी की प्लेस पर माइनस थ्री पुट करना है. गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करने के बाद ही वैल्यू पुट करना है. तो अपना सोल्व क्वेश्चन क्या है, टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस थ्री माइनस ए बी. लुक दिस सॉल्व टेन. अब पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है. तो क्या करेंगे आप लोग खुद देखिए सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है कि वो कैसे सॉल्व हो सकता है. ठीक है, अब आप लोग ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, ब्रैकेट के बाहर टू है मल्टीप्लाई में. ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई में तो उसका दोनों मल्टीप्लाई होता है. ये देखिए टू का ए में भी होगा और टू का ये सेकेंड टर्म में भी होगा. गॉट इट? मीन्स टू का ए में मल्टीप्लाई टू ए स्क्वायर. गॉट इट? प्लस मीन्स टू का ए, टू ए स्क्वायर. अब टू का ए बी में भी होगा तो ये क्या होगा, टू ए बी, टू ए बी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, थ्री माइनस ए बी. गॉट इट? तो अब ये देखिए टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वाली डिजिट और कहीं भी नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ वन टाइम है, ए बी और ए बी टू टाइम दिख रहा है. तो टू ए बी और माइनस ए बी है. ठीक है, तो मीन्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. टू में से वन ए बी जाएंगे तो ओनली वन ए बी बचेगा, लेकिन बिग डिजिट प्लस है तो प्लस, और प्लस का थ्री. गॉट इट? अब सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू पुट करना है. ए इज इक्वल टू कितनी गिवन है, ये देखिए ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री. अब इसमें ये जो अपना आंसर आया है सिंप्लीफाई करने के बाद, अब इसमें वैल्यू पुट करना है. तो टू ए स्क्वायर, टू बिटवीन मल्टीप्लाई ए की पावर टू, मीन्स ए की प्लेस पर फाइव पावर टू. अब यहाँ पे क्या आ गया अपना प्लस, ये प्लस, ये प्लस लगाया ए बी, ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू फाइव बिटवीन मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस थ्री प्लस थ्री. ओके, वैल्यू ऑफ बी माइनस थ्री इक्वल टू टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई फाइव की पावर कितनी है टू, तो मीन्स फाइव की पावर टू है तो मीन्स फाइव को टू टाइम राइट करना इस तरीके से. ओके, अभी देखिए इन दोनों का फाइव थ्री जो फिफ्टीन हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री जो फिफ्टीन प्लस थ्री, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जो टेन, फाइव टू जो टेन. तो यहाँ पे टेन का मल्टीप्लाई फाइव और बचा हुआ है. ठीक है, इन दोनों का प्लस माइनस कर देते हैं या फिर बाद में कर देंगे, इसको एज इट इज भी राइट कर सकते हैं. गॉट इट? तो टेन फाइव जो फिफ्टीन, टेन फाइव जो फिफ्टीन. ठीक है, माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री. अब फिफ्टी में से फिफ्टीन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए फिफ्टी में से फिफ्टीन माइनस करना है. तो यहाँ से केडी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन, टेन में से फाइव, फाइव ये कितना बचेगा, फोर, फोर में से वन थ्री. तो ये कितना आ गया, थर्टी फाइव प्लस थ्री, थर्टी फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा, थर्टी एट. ओके, यही अपना आंसर है. गॉट इट? टेंथ क्वेश्चन कंप्लीटेड. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.3 एंड ऑफ दिस चैप्टर 12. थैंक यू.